हेलो बच्चों बच्चों, आज के पाठ की शुरुआत हम आज के सुविचार से करेंगे। आज का सुविचार है, समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों कि समय और शब्द, इन दोनों का उपयोग हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि समय भी एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता, और शब्द भी एक बार निकल जाते हैं तो वो दोबारा मौका हमें नहीं देते। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है और इस विचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। हर पन्ने पर, हर पृष्ठ पर आपका एक विचार होना चाहिए। तो हमने शुरुआत की है, कल हमने एक विचार पढ़ा था, आज हम फिर एक विचार पढ़ रहे हैं। ऐसे रोजाना हम शुरुआत एक अच्छे विचार से करेंगे और हर पेज पर आपको एक अच्छा विचार लिखना है। तो हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय, पाठ पांच, अक्षरों का महत्व। अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है बच्चों। इसकी पृष्ठभूमि को हम जानते हैं थोड़ा पाठ की, कि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अक्षरों का महत्व। अक्षरों के बगैर हम दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होता। अगर अक्षरों का ज्ञान मुझे नहीं होता तो अभी मैं आपको पढ़ा नहीं पाती, आप मेरी बात को नहीं समझ पाते, हम विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते। अक्षर हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और इन अक्षरों की खोज हमने कैसे की? कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने इनकी खोज की, लेकिन ईश्वर ने नहीं, इनकी खोज मनुष्यों के द्वारा ही की गई। पहले मनुष्य सांकेतिक भाषा में चित्रों के माध्यम से बात किया करता था। हम जानते हैं कि हमारी धरती बहुत पुरानी है और धरती पर पहले केवल जानवर और पेड़ पौधे ही रहते थे। धीरे धीरे मनुष्य का जन्म हुआ। मनुष्य के जन्म के बाद मनुष्य ने धीरे धीरे खेती की, गांव को बसाया, पत्थरों से औजार बनाए, और फिर उसने चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया। पत्थरों पे चित्र बनाया करते। ये इतिहास के पहले की बात है, जब हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं था। इतिहास के बारे में हम जानते हैं कि जो लिखित में हमें प्रमाण के रूप में मिलता है, वह हमें, हम उसे इतिहास के रूप में जानते हैं। इतिहास के पहले की जो बातें हैं वो प्रागैतिहासिक कहलाती हैं। प्रागैतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक काल, जो इतिहास के पहले का काल। तो जो हमारे पास उपलब्ध है इतिहास में, वो जब से अक्षरों की खोज हुई तब से ही हमने इतिहास को जाना है, तब से ही हमारे पास सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। तो बच्चों, धीरे धीरे चित्रों के माध्यम से मनुष्य ने भावों को व्यक्त करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे अक्षरों की इस तरह से खोज हुई। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि अक्षर नहीं होते तो हम क्या करते, कैसे हम अपनी इतनी सारी बातों को, सब कुछ सुनना, सोचना, समझना हम कैसे करते, कैसे हमारा विकास होता। और जब से बच्चों अक्षरों का विकास हुआ है, अक्षरों की खोज हुई है, तभी से मनुष्य ने भी बहुत तेजी से विकास करना शुरू किया। ये बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग लेसन है कि हम भी जानें कि आखिर कैसे अक्षरों की खोज की गई है ना, इसके बारे में हम भी जानें। तो हम शुरू करते हैं हमारा पाठ पांच, अक्षरों का महत्व, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले जी, जिनका जीवन परिचय हमने कल जाना। अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, हजारों सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। हम जानते हैं कि हजारों पुस्तकें किससे बनती है, अक्षरों से बनती है। हम जो पढ़ रहे हैं, जो पुस्तक, उसमें भी अक्षर हैं। मैं जो पढ़ रही हूँ वो अक्षरों को पढ़ रही हूँ, आप जो सुन रहे हैं वो अक्षरों को सुन रहे हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, हजारों करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती है, तरह तरह के अक्षरों ने हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र में छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। समाचार पत्र, किताबें, पुस्तकें, जितना भी, जो भी हम, जो भी छपा जाता है, जिसमें पुस्तकें होती हैं, जो उनमें क्या होता है, समाचार पत्र, पुस्तकें, इनके मूल में क्या होता है, अक्षर। मुख्य उसमें अक्षर होता है, बिना अक्षरों के उनका कोई अस्तित्व नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कहते हैं, कह सकते हैं कि भाई हम बहुत पहले से अक्षरों को जानते हैं, बहुत पुराने काल से हम उसे जानते आ रहे हैं, प्राचीन काल से।
है ना, कोई कहता है, किसी ने कहा कि ईश्वर से हमें मिला है, किसी ईश्वर से हमें अक्षर के रूप में ये संकेत मिले हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस दिशा में किस समय हुई, कि अब तो हमने इतना विकास कर लिया है, इतनी उन्नति कर ली है कि हम अब सब कुछ जानते हैं कि अक्षरों की किस देश में कौन सा अक्षर पहले आया, किस तरह के अक्षरों की खोज पहले हुई, ये सब कुछ हम जानते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि धरती पहले बहुत गर्म थी, बहुत अधिक गर्म थी, इतनी गर्म थी कि उसके तापमान के कारण उस पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। तो वहां केवल उस समय केवल जानवर, वनस्पतियां, पेड़ पौधे वगैरह ही वहां रहा करते थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू कर दिया, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तांबे और कांसे की जो धातु होती है, कांसे की धातु पीतल और तांबे, इसको मिलाकर बनाई जाती है, ब्रॉन्ज इसको कहते हैं ना। तो इस तरह की धातुओं के औजार बनाए, पहले पत्थरों के बनाए, फिर धातुओं के बनाए। अपनी सुरक्षा के लिए वह बहुत सारे उपाय करता था। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक मानव यानी इतिहास के पहले का, जब हमें नहीं पता था, इतिहास जहां तक का उपलब्ध है वहां तक की हम बात जानते हैं, लेकिन इतिहास के पहले का वो, उस मानव ने चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, है ना। दिखाई दे रहा है ना आपको, ये चित्र दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये चित्र सारे, ये पहले इस तरह की सांकेतिक भाषा का उपयोग मनुष्य किया करता था। हर चित्र संकेतों से बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले वो चित्र बनाए, फिर चित्रों से भाव व्यक्त हुए। जैसे एक छोटे से वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता, जैसे एक ऐसे गोल बनाया जाता और उसके आसपास ऐसी रेखाएं खींच दी जाती जिससे पता चलता है कि ये सूर्य का चित्र है। बाद में वही चित्र भाप या धूप का द्योतक बन जाता, द्योतक यानी जानकारी देने वाला। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल, 6,000 साल पहले ही अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब यहाँ देखिए इस चित्र में, यहाँ दिखाया गया है चित्रों में कि इसमें दाई ओर की, बाई ओर के क्रमशः ये जो चित्र है, ये इन चित्र, इस तरह के चित्र बनाए जाते थे, है ना, नगाड़े, द्रोणाकार, कौवा, दवाखाने, आदमी, इस तरह के चित्रों के माध्यम से भावों को व्यक्त किया जाने लगा। फिर इनके, इन प्रतीकों से अक्षर बने, चित्र आए, फिर चित्रों से अक्षर, है ना, और संकेत प्रतीक बने, फिर अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। किसी भी आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि पर यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। कि जब मनुष्य हिसाब किताब रखने लगा, अपने विचारों को सहेज के रखने लगा, तब से वह सभ्य कहा जाने लगा। और जब से आदमी ने लिखना शुरू किया अक्षरों की खोज के बाद, तभी से इतिहास आरंभ हुआ। पहले का कोई भी देश है, कोई भी कौम यानी कोई भी जाति है, उसका इतिहास कब शुरू होता है? जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, उसने कुछ लिखा हो तो हमें मिलने लगता है, तब हम इतिहास, हम रामायण, गीता, इन सब के बारे में, महाभारत के बारे में पढ़ते हैं उन किताबों में, तो हमें पता चलता है कि ऐसा था उस समय।
उस समय का जमाना ऐसा था, ये हमें पता चलता है। तो इतिहास कब पता चलता है? लिखे हुए आदमी के, मनुष्य के लिखे हुए लेख से हम इतिहास को जानते हैं। और प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते, पिछले कुछ यह न जान पाते, हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यदि हमें इतिहास नहीं मिलता तो हम जान नहीं पाते, अक्षरों की खोज यदि नहीं होती तो हम इतिहास को नहीं जान पाते, इतिहास को नहीं जान पाते तो हम ये भी नहीं जान पाते कि पहले आदमी कैसे रहता था, क्या सोचता था, राजा महाराजा कैसे थे, क्या कौन कौन राजा हुए, कुछ भी हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद तो मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अक्षर जो हम भाषा लिखते हैं वो लिपि में लिखते हैं, है ना, भाषा यहाँ अक्षरों का उल्लेख हुआ है तो अक्षरों से भाषा बनती है और भाषा लिपि में लिखी जाती है ना, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है। उसके बाद फिर लिपियों का विकास हुआ। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो बच्चों अगर मूले जी का लिखी गई ये जो पाठ है अक्षरों का महत्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और हमें बहुत सारी जानकारी इस पाठ से प्राप्त होती है। तो अब इस पाठ को पढ़ने के बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।